किसानों के जख्मों पर नमक डालने वाली बात है। थैंक यू जी। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। और हम पंजाब में भी, सड़कों पर भी और संसद में भी इस बिल का और खेती बिलों का जोरदार विरोध जारी रखेंगे, जितनी देर सरकार इन तीनों बिलों को रिपील करने की और इस जो बिजली अमेंडमेंट जो बिल है इसको लिस्ट से हटाती नहीं। उसमें क्या है कि बिजली जो है, जैसे पंजाब है, पंजाब बिजली पैदा करता है, पंजाब की सारी बिजली सेंटर ले लेगा, उसके बाद पंजाब को अपने लिए बिजली मांगनी पड़ेगी, बिल्कुल जीएसटी की तरह। हम जो स्टेट है वो टैक्स इकट्ठा करके सेंटर को देती है और अपना हिस्सा मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। बिल्कुल सेम है, ऐसा ही बिजली के साथ कर रहे हैं ये कि बिजली अब स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहेगा। इससे पहले बिजली, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन ये स्टेट सब्जेक्ट थे, लेकिन अब ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहे। जैसे दिल्ली सरकार के जो हर काम में एलजी को लगा दिया गया है, हर काम में एलजी जो है टांग अड़ाता है, बिल्कुल उसी तरह से ये सभी स्टेटों से बिजली सेंटर ले लेगा, उसके बाद उनको वापस अपनी बिजली, अपने हिस्से की बिजली लेने के लिए मिन्नतें करनी पड़ेगी, हाथ में कटोरे पकड़ने पड़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी। देखिए, वैसे तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है। 200 आदमी हर रोज आएंगे और 200 के 200 का आई कार्ड बनाया है संयुक्त मोर्चा ने, उनके उनकी स्टैंप लगी हुई है, उनके साइन है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शरारती तत्व कोई गलत आई कार्ड बना के घुस जाए, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं पार्लियामेंट से सीधा यहाँ आ रहा हूँ, मुझे इसकी कोई विस्तार में जानकारी नहीं, लेकिन किसान शांतिपूर्वक अपना पहले भी कर रहे थे आंदोलन, अब भी कर रहे हैं, और जहाँ तक उनको जाने की इजाज़त दी वहाँ तक ही वो गए हैं। हालांकि उनको लंबे रूट से ला के उनको एक बजा दिया गया, उनका 11 बजे का टाइम था, लेकिन उनको हक है, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो सदन के पास आएं, सदन के सामने अपना प्रदर्शन करें और अपने जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करें कि वो उनकी आवाज़ अंदर उठाएँ और किसान जो है वो बाहर उठाएँ।